क्योंकि उस पर एक जिम्मेवारी आती है, क्योंकि वो समझदार लोग होते हैं, कम पढ़े लिखो, बहुत लोग तो नहीं भी करते, वो लोग भी नहीं करते, ऐसा भी है। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी समझाया जाए वो सुनते नहीं है, तो इसके लिए कानून बना हुआ है, और कानून इतना ये है, मतलब क्या बोलते हैं, कठोर है कि अगर गंगा जी में आप कूड़ा फेंकते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जेल हो सकती है। गंगा जी में अगर आप मरे हुए जीवों को फेंकने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको, यहाँ तक कि अगर आप शौच वगैरह भी करने जाते हैं गंगा किनारे गंगा जी में, तो आपको जेल हो सकती है। इतनी कठोर इसमें आया हुआ नियम है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको जानते नहीं, समझते नहीं है, और गांव समाज बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्वच्छ अभ्यस्ता अभियान है भारत सरकार का, पूरे भारत देश में शौचालय का जो योजना थी, हर घर को शौचालय देना, वो यही इसके अंतर्गत यही है कि हम जो है नदियों किनारे नदियों को और जल के स्रोतों को गंदा ना करें। इसके लिए सबसे पहले अपने घर में क्या हो, शौचालय हो। जब शौचालय होंगे तो लोग बाहर नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे तो जिनके किनारे नदी है, तालाब है, पोखर है, तो उनको गंदा नहीं करेंगे, ये उसके अंतर्गत है। तो अब मैं एक एक करके सब चीज़ बता रहा हूँ। नेहरू युवा केंद्र संगठन, ये भारत सरकार का है, और इसके अंतर्गत क्या होता है, स्वयंसेवकों की भर्ती भी की जाती है, हर प्रखंड से 2-4 लोगों को भर्ती किया जाता है, उनको कुछ मेहताना भी दिया जाता है, और उनका काम यही होता है जैसा कि अभी मैं कर रहा हूँ। चूंकि हालांकि मैं स्वयंसेवक नहीं हूँ, लेकिन चूंकि जो मैं समाज का हूँ, तो गंगा पुत्र, गंगा दूत और हमारे गंगा प्रहरी वगैरह जो चलते हैं, गंगा मित्र, गंगा चिंतक, तो उस तरह के चीज़ों में हम भी आते हैं, तो इसलिए हम लोग सब बचपन से गंगा से जुड़े हैं, तो हम लोग इस तरह के काम में आते रहते हैं। तो नेहरू युवा केंद्र संगठन है जिसमें कि जो अगर छोटी छोटी टीम हर प्रखंड में बनाई जाती है, हर मोहल्ले में बनाई जाती है, अगर उस बनता है तो वहाँ पे आपको खेलने का सामान जो है भारत सरकार की ओर से मुफ्त में आता है। बहुत सारी किताबें भी पढ़ने के लिए आती हैं जो मुफ्त आती हैं, और बस उसका एक क्या होता है, टीम छोटा सा बनाना होता है नेहरू युवा केंद्र संगठन का। कटिहार जिले में उसका जो ऑफिस है भारत सरकार से जुड़ा हुआ है, और वहाँ से कटिहार से पूरे कटिहार जिले में संचालित होता है। आगे चलते हैं हम नमामि गंगे। नमामि गंगे यानी कि गंगा माँ को नमन, गंगा जी को प्रणाम, है ना। तो गंगा चूंकि मुख्य नदी है, इसलिए गंगा को ही फोकस किया गया है कि हम गंगा को अगर देखते हैं, अगर गंगा के प्रति हम लोग इस तरह की जागरूकता लाते हैं तो अन्य नदियों के प्रति भी लोगों की जागरूकता बढ़ेगी। चूंकि हमारे यहाँ गंगा जी है, कोसी है, महानंदा है, तो हम इन तीन नदियों के प्रति जागरूक हो सकते हैं। और जिनके यहाँ दूसरी नदियाँ हैं, तो चूंकि जब ये देखेंगे लोगों ने अपने गंगा जी को स्वच्छ करा, गंगा जी का जल जो पॉल्यूशन था उसको कम किया, और वहाँ जो है जली जीव अच्छे से बढ़े, उसमें बहुत सारे लोगों ने बिजनेस किया, जैसे कि अभी गंगा आरती का वो एक चल रहा है जो अर्ध गंगा का एक योजना है। तो नमामि गंगे की ये सब चीज़ें आती हैं, गंगा सफाई हो, गंगा स्वच्छ रहे, गंगा में जो बिजनेस होता है गंगा नदी के जरिए, यातायात के जरिए, जो उसके जल परिवहन के जरिए होता है। तो हमारे यहाँ से जो है, यहाँ पे जो है प्रकाश स्तंभ भी है जो जल मार्ग है, अंतर्राज्यीय जल मार्ग, क्योंकि साहेबगंज तो बहुत पुराना है, यहाँ से कोलकाता और इधर जो है काशी वाराणसी प्रयाग तक जो है